मित्रों, इस अध्याय में हम सती और शिव का विवाह के विषय में चर्चा करेंगे। ये रुद्र संहिता का सती खंड अध्याय 18, 19 एवं 20 है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदनंतर मैं हिमालय के कैलाश शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव शिव को लाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक उनके पास गया और उनसे इस प्रकार बोला, वृषभध्वज, सती के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने जो बात कही है उसे सुनिए और जिस कार्य को वे अपने लिए असाध्य मानते थे उसे सिद्ध हुआ ही समझिए। दक्ष ने कहा है कि मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के ही हाथ में दूंगा, क्योंकि उन्हीं के लिए यह उत्पन्न हुई है। शिव के साथ सती का विवाह हो, यह कार्य तो मुझे स्वतः ही अभीष्ट है, फिर आपके भी कहने से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया। मेरी पुत्री ने स्वयं इसी उद्देश्य से भगवान शिव की आराधना की है और इस समय शिव जी भी मुझसे इसी के विषय में अन्वेषण कर रहे हैं, इसलिए मुझे अपनी कन्या अवश्य ही भगवान शिव के हाथ में देनी है। विधाता, वे भगवान शंकर शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त में यहाँ पधारे, उस समय मैं उन्हें शिक्षा के तौर पर अपनी यह पुत्री दे दूंगा। वृषभध्वज, मुझसे दक्ष ने ऐसी बात कही है, अतः आप शुभ मुहूर्त में उनके घर चलिए और सती को ले आइए। मुने, मेरी यह बात सुनकर भक्त वत्सल रुद्र लौकिक गति का आश्रय ले हंसते हुए मुझसे बोले, संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारे और नारद के साथ ही दक्ष के घर चलूंगा, अतः नारद का स्मरण करो, अपने मरीचि आदि मानस पुत्रों को भी बुला लो। विधे, मैं उन सब के साथ दक्ष के निवास स्थान पर चलूंगा, मेरे पार्षद भी मेरे साथ रहेंगे। नारद, लोकाचार के निर्वाह में लगे हुए भगवान शिव के इस प्रकार आज्ञा देने पर मैंने तुम्हारा और मरीचि आदि पुत्रों का भी स्मरण किया। मेरे याद करते ही तुम्हारे साथ मेरे सभी मानस पुत्र मन में आदर की भावना लिए शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। उस समय तुम सब लोग हर्ष से उत्फुल्ल हो रहे थे। फिर रुद्र के स्मरण करने पर शिव भक्तों के सम्राट भगवान विष्णु भी अपने सैनिकों तथा कमला देवी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो तुरंत वहां आ गए। तदनंतर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार को पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में मुझ ब्रह्मा और विष्णु आदि समस्त देवताओं के साथ महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा की। मार्ग में उन देवताओं और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए भगवान शंकर बड़ी शोभा पा रहे थे। वहां जाते हुए देवताओं, मुनियों तथा आनंद मग्न मन वाले प्रमत गणों का रास्ते में बड़ा उत्सव हो रहा था। भगवान शिव की इच्छा से वृषभ, व्याघ्र, सर्प, जटा और चंद्रकला आदि सब के सब उनके लिए यथायोग्य आभूषण बन गए। तदनंतर वेग से चलने वाले बलवान बलिवर्द नंदिकेश्वर पर आरूढ़ हुए महादेव जी श्री विष्णु आदि देवता उनको साथ लिए क्षण भर में प्रसन्नता पूर्वक दक्ष के घर जा पहुंचे। वहां विनीत चित्त वाले प्रजापति दक्ष समस्त आत्मीय जनों के साथ भगवान शिव की स्वागत के लिए उनके सामने आए। उस समय उनके समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया था। स्वयं दक्ष ने अपने द्वार पर आए हुए समस्त देवताओं का सत्कार किया। सब लोग सुरश्रेष्ठ शिव को बिठाकर उनके पार्श्व भाग में स्वयं भी मुनियों के साथ क्रमशः बैठ गए। इसके बाद दक्ष ने मुनियों सहित समस्त देवताओं की परिक्रमा की और उन सब के साथ भगवान शिव को घर के भीतर ले आए। उस समय दक्ष के मन में बड़ी प्रसन्नता थी। उन्होंने सर्वेश्वर शिव को उत्तम आसन देकर स्वयं ही विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तत्पश्चात श्री विष्णु का, मेरा, ब्राह्मणों का, देवताओं का और समस्त शिवगणों का भी यथोचित विधि से उत्तम भक्तिभाव के साथ पूजन किया। इस तरह पूजनीय पुरुषों तथा अन्य लोगों से उन सब का यथोचित आदर सत्कार करके दक्ष ने मेरे मानस पुत्र मरीचि आदि मुनियों के साथ आवश्यक सलाह की। इसके बाद मेरे पुत्र दक्ष ने मुझ पिता से मेरे चरणों में प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक कहा, प्रभु, आप ही वैवाहिक कार्य कराए। तब मैं भी हर्ष भरे हृदय से बहुत अच्छा कहकर उठा और वह सारा कार्य कराने लगा। तदनंतर ग्रहों के बल से युक्त शुभ लग्न और मुहूर्त में दक्ष ने हर्ष पूर्वक अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दे दिए। उस समय हर्ष से भरे हुए भगवान वृषभध्वज ने भी वैवाहिक विधि से सुंदरी दक्ष कन्या का पाणि ग्रहण किया। फिर मैंने, श्रीहरि ने, तुम तथा अन्य मुनियों ने, देवताओं और प्रमत्गणों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और सबने नाना प्रकार को स्तुतियों द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। उस समय नाच गान के साथ महान उत्सव मनाया गया। समस्त देवताओं और मुनियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ।
भगवान शिव के लिए कन्यादान करके मेरे पुत्र दक्ष कृतार्थ हो गए। शिवा और शिव प्रसन्न हुए तथा सारा संसार मंगल का निकेतन बन गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, कन्यादान करके दक्ष ने भगवान शंकर को नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में दी। यह सब करके वे बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को भी नाना प्रकार के धन बांटे। तत्पश्चात लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शंभू के पास आ हाथ जोड़कर खड़े हुए और यो बोले, देव देव महादेव, दया सागर प्रभो तात, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और सती देवी सबकी माता हैं। आप दोनों सत्पुरुषों के कल्याण तथा दुष्टों के दमन के लिए सदा लीला पूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं, यह सनातन श्रुति का कथन है। आप चिकने नील अंजन के समान शोभा वाली सती के साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हैं, मैं उससे उल्टे लक्ष्मी के साथ शोभा पा रहा हूँ। अर्थात सती नीलवर्णा तथा आप गौरवर्ण हैं, उससे उल्टे मैं नीलवर्ण तथा लक्ष्मी गौरवर्णा है। नारद, मैं देवी सती के पास आकर गृह सूत्रोक्त विधि से विस्तार पूर्वक सारा अग्नि कार्य कराने लगा। मुझ आचार्य तथा ब्राह्मणों की आज्ञा से शिवा और शिव ने बड़े हर्ष के साथ विधि पूर्वक अग्नि की परिक्रमा की। उस समय वहाँ बड़ा अद्भुत उत्सव मनाया गया। गाजे बाजे और नृत्य के साथ होने वाला वह उत्सव सबको बड़ा सुखद जान पड़ा। तदनंतर भगवान विष्णु बोले, सदाशिव, मैं आपकी आज्ञा से यहाँ शिव तत्व का वर्णन करता हूँ। समस्त देवता तथा दूसरे मुनि अपने मन को एकाग्र करके इस विषय को सुने। आप प्रधान और अप्रधान प्रकृति और उससे अतीत हैं। आपके अनेक भाग हैं, फिर भी आप भाग रहित हैं। ज्योतिर्मय स्वरूप वाले आप परमेश्वर के ही हम तीनों देवता अंश हैं। आप कौन, मैं कौन और ब्रह्मा कौन है? आप परमात्मा के ही ये तीन अंश हैं, जो सृष्टि पालन और संहार करने के कारण एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं। आप अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। आपने स्वयं ही लीला पूर्वक शरीर धारण किया है। आप निर्गुण ब्रह्म रूप से एक हैं। आप ही सगुण ब्रह्म हैं और हम ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र तीनों आपके अंश हैं। जैसे एक ही शरीर के भिन्न भिन्न अवयव मस्तक ग्रीवा आदि नाम धारण करते हैं, तथापि उस शरीर से वे भिन्न नहीं है, उसी प्रकार हम तीनों अंश आप परमेश्वर के ही अंग हैं। जो ज्योतिर्मय आकाश के समान सर्वव्यापी एवं निर्लेप स्वयं ही अपना धाम पुराण कूटस्थ अव्यक्त अनंत नित्य तथा दीर्घ आदि विशेषणों से रहित निर्विशेष ब्रह्म है, वही आप शिव हैं। अतः आप ही सब कुछ हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, भगवान विष्णु की यह बात सुनकर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। तदनंतर उस विवाह यज्ञ के स्वामी यजमान परमेश्वर शिव प्रसन्न हो लौकिक की गति का आश्रय ले हाथ जोड़कर खड़े हुए मुझ ब्रह्मा से प्रेम पूर्वक बोले। शिव ने कहा, ब्रह्मा, आपने सारा वैवाहिक कार्य अच्छी तरह संपन्न करा दिया। अब मैं प्रसन्न हूँ, आप मेरे आचार्य हैं। बताइए आपको क्या दक्षिणा दें। सूर्यज्येष्ठ, आप उस दक्षिणा को मांगिए। महाभाग, यदि वह अत्यंत दुर्लभ हो तो भी उसे शीघ्र कहिए, मुझे आपके लिए कुछ भी अधेय नहीं है। मुने, भगवान शंकर का यह वचन सुनकर मैं हाथ जोड़ विनीत चित्त से उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोला, देवेश, यदि आप प्रसन्न हो और महेश्वर, यदि मैं वर पाने के योग्य हो तो प्रसन्नता पूर्वक जो बात कहूँ उसे आप पूर्ण कीजिए। महादेव, आप इसी रूप में इसी वेदी पर सदा विराजमान रहे, जिससे आपके दर्शन से मनुष्यों के पाप धुल जाए। चंद्रशेखर, आपका सान्निध्य होने से मैं इस वेदी के समीप आश्रम बनाकर तपस्या करूं, यह मेरी अभिलाषा है। चैत्र के शुक्ल पक्ष को त्रयोदशी को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन इस भूतल पर जो मनुष्य भक्तिभाव से आपका दर्शन करे, उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाए, विपुल पुण्य की वृद्धि हो और समस्त रोगों का सर्वथा नाश हो जाए। जो नारी दुर्भगा वंध्या कानी अथवा रूपहीना हो, वह भी आपके दर्शन मात्र से ही अवश्य निर्दोष हो जाए। मेरी यह बात उनकी आत्मा को सुख देने वाली थी। इसे सुनकर भगवान शिव ने प्रसन्न चित्त से कहा, विधाता, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे कहने से संपूर्ण जगत के हित के लिए अपनी पत्नी सती के साथ इस वेदी पर सुस्थिर भाव से स्थित रहूंगा। ऐसा कहकर पत्नी सहित भगवान शिव अपनी अंशरूपिणी मूर्ति को प्रकट करके वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए। तत्पश्चात स्वजनों पर स्नेह रखने वाले परमेश्वर शंकर दक्ष से विदा ले अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश जाने को उद्यत हुए।
उस समय उत्तम बुद्धि वाले दक्ष ने विनय से मस्तक झुका हाथ जोड़ भगवान वृषभध्वज की प्रेम पूर्वक स्तुति की। फिर श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं मुनियों और शिवगणों ने नमस्कार पूर्वक नाना प्रकार की स्तुति करके बड़े आनंद से जय जयकार किया। तदनंतर दक्ष की आज्ञा से भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक सती को वृषभ की पीठ पर बिठाया और स्वयं भी उस पर आरूढ़ हो वे प्रभु हिमालय पर्वत की ओर चले। भगवान शंकर के समीप वृषभ पर बैठी हुई सुंदर दांत और मनोहर हास वाली सती अपने नील श्यामवर्ण के कारण चंद्रमा में नीली रेखा के समान शोभा पा रही थी। उस समय उन नवदंपति की शोभा देख श्री विष्णु आदि समस्त देवता मरीचि आदि महर्षि तथा दूसरे लोग ठगे से रह गए, हिल डुल भी न सके तथा दक्ष भी मोहित हो गए। तत्पश्चात कोई बाजे बजाने लगे और दूसरे लोग मधुर स्वर से गीत गाने लगे। कितने ही लोग प्रसन्नतापूर्वक शिव के कल्याणमय उज्ज्वल यश का गान करते हुए उनके पीछे पीछे चले। भगवान शंकर ने बीच रास्ते से दक्ष को प्रसन्नतापूर्वक लौटा दिया और स्वयं प्रेमाकुल हो प्रमदगणों के साथ अपने धाम को जा पहुँचे। यद्यपि भगवान शिव ने विष्णु आदि देवताओं को भी विदा कर दिया था तो भी वे बड़ी प्रसन्नता और भक्ति के साथ पुनः उनके साथ हो लिए। उन सब देवताओं प्रमदगणों तथा अपनी पत्नी सती के साथ हर्ष भरे शंभु हिमालय पर्वत से सुशोभित अपने कैलाश धाम में जा पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने देवताओं मुनियों तथा दूसरे लोगों का बहुत आदर सम्मान करके उन्हें प्रसन्नतापूर्वक विदा किया। शंभु की आज्ञा ले वे विष्णु आदि सब देवता तथा मुनि नमस्कार और स्तुति करके मुख पर प्रसन्नता की छाप लिए अपने अपने धाम को चले गए। सदाशिव का चिंतन करने वाले भगवान शिव भी अत्यंत आनंदित हो हिमालय के शिखर पर रहकर अपनी पत्नी दक्षकन्या सती के साथ विहार करने लगे। सूत जी कहते हैं, मुनियों, पूर्वकाल में स्वयंभू मन्वंतर में भगवान शंकर और सती का जिस प्रकार विवाह हुआ वह सारा प्रसंग मैंने तुमसे कह दिया। जो विवाह काल में यज्ञ में अथवा किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में भगवान शंकर की पूजा करके शांतचित्त से इस कथा को सुनता है उसका सारा कर्म तथा वैवाहिक आयोजन बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होता है और दूसरे शुभ कर्म भी सदा निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। इस शुभ उपाख्यान को प्रेमपूर्वक सुनकर विवाहित होने वाली कन्या भी सुख सौभाग्य सुशीलता और सदाचार आदि सद्गुणों से संपन्न साध्वी स्त्री तथा पुत्रवती होती है। ये अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको हमारी कथा अच्छा लगा तो इसे अपनी प्रिय जनों को शेयर करें। हमारा चैनल श्री पपेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भोले की।